हेलो, हेलो, क्या कर रहे हो जान? मैं एक बात बोलूं। क्या? तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे ना? नहीं, बस सडनली ये क्वेश्चन। तुम मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगे ना? नहीं बाबा, तुम्हें क्यों डर लगा रहता है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें खोने से कितना डरती हूँ। आई नो, बट सडनली एकदम से क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? बस मेरे मन में एक डर है कि तुम मुझे कहीं छोड़ के ना चले जाओ, तुम मुझे कहीं खो ना दो, मैं तुम्हें कहीं ना खो दूं। यार पागल, कहाँ जाऊँगा मैं तुम्हें छोड़ के? नहीं खोगे मुझे, ये डर क्यों रहता है तुम्हारे मन में? आपको पता है ना कि मेरे संग पहले क्या हो गया। आई नो यार, बट हर बार डर कब निकलेगा तुम्हारा? वो बातें मैं कभी जिंदगी में भूल भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें पता है कि इतना बुरा हुआ मेरे संग, उस वजह से मैं इतना टूट चुकी हूँ ना कि किसी पे भरोसा करना मेरे लिए इतना मुश्किल है। पागल हो क्या? आपके ऊपर भरोसा किया है बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अगर आप भी छोड़ के चले जाओगे ना वापस उसी की तरह, तो फिर मैं बिल्कुल टूट जाऊंगी, कभी किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाऊंगी। आपको लगता है मैं छोड़ के जाऊंगा? आप नहीं जाओगे मुझे पता है, बट एक डर तो है ना मन में। तो ये डर आपको क्यों लगा रहता है यार हर बार? मतलब इतना टाइम हो गया, अभी तक तुम्हारा डर नहीं निकल पाया। उमंग जो मेरे संग हुआ है ना, मैं भूल नहीं सकती उन बातों को, आप भी जानते हो ये बात। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आज तक भी छोड़ के गया हूँ जॉब जाऊँगा, नहीं और सडनली ये सब क्वेश्चन क्यों? क्या हुआ है? कुछ नहीं, आज मुझे अपना पास्ट थोड़ा सा याद आ गया, इस वजह से। तुम बुरी बातें याद ही क्यों करती हो? मैं भूल भी तो नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे भूलूँ उन बातों को। तुम्हें याद ही क्यों रखनी है वो बातें यार? जब दिमाग से जा ही नहीं रही है तो फिर क्या करूँ। जाना, साथ हूं ना मैं तुम्हारे, तो फिर क्यों टेंशन लेते हो? टेंशन टेंशन वाली बात नहीं हो मम, बोलो। अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, खुश हो मेरे साथ? तुम्हें क्या लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खुश हो मेरे साथ? ऑब्वियसली खुश हूँ, तुम कभी छोड़ के जाओगी? कभी कभी भी नहीं, मुझसे बेवफाई करोगी? अभी भी नहीं, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ यार, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, पक्का। पक्का प्रॉमिस बाबा। और इतनी बार प्रॉमिस कर चुका हूँ, ये तुम्हारा डर क्यों नहीं जा रहा है अंदर से? जो उसने मेरे संग किया वैसा तो नहीं करोगे ना कभी भी? यार पागल हो गया, करना होता तो इतना टाइम हो गया रिलेशन को, अभी तक कर देता ना। मैं फिर भी तुम्हारा डर क्यों नहीं जा रहा है आखिर यार? जब पता नहीं, भी मैं जितना भुलाने की कोशिश कर रही हूँ बातों को भूल ही नहीं पा रही हूँ। हमेशा रिमाइंड होती रहती है दिमाग में, हमेशा रिमाइंड ही होती रहती है ये बातें। जान, मूव ऑन करो प्लीज, उन बातों भूल जाओ। मैंने आपको कितनी बार कहा कभी छूट के नहीं जाऊंगा, मूव और ऑन करना इतना आसान नहीं होता उमंग, आपको भी पता है ये बात। आज तो तुम्हारे डर में निकाल के ही रहूंगा। कैसे? ओके, कुछ क्वेश्चन करता हूँ, उनका रिप्ले करना, और डर तुम्हारा निकाल के रहूंगा। आज अगर तुम्हारे डर नहीं निकला ना, तो बहुत पिटोगे तुम मेरे हाथों, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा ऐसा है क्या? अब चुपचाप सुनो मेरी बात, ये बताओ मेरे रिलेशन को कितने साल हो गए? 2 साल 2 साल। उन 2 सालों में हमारी कितनी बार लड़ाई हुई? बहुत बहुत बार, उन लड़ाइयों में हमारे कितनी बार ब्रेकअप हुए? बहुत बार। उन ब्रेकअपों में हमने एक दूसरे को कितना मतलब बोला कि अब कभी बात नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उमंग उस लड़ाई के बाद भी मुझे यही डर होता एक है कि मिनट आपका कॉल बता, आएगा या फिर नहीं आएगा। मुझे पहले बताओगे आप कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने एक दूसरे को ब्लॉक तक किया है, काफी बार एक दूसरे बिल्कुल बात करना बंद कर दिया? हुआ है, बहुत बार। लेकिन वो लड़ाई चलती कितनी है? कभी 2 दिन से ज़्यादा चली? नहीं क्या कभी हमारा रिलेशन उस लड़ाई की वजह से टूटा? नहीं लड़ाई कितनी मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों पे हुई है? क्या कभी हम एक दूसरे से अलग हुए? नहीं तो फिर एक बात बताओ मुझे, हाँ एक और चीज़, इन 2 सालों में कभी भी थोड़ा सा मैंने तुम्हें चीट किया? नहीं तुम कहीं थोड़ा ही पता चला कि उमंग मुझे चीट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कुछ? उमंग, मैं ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ कि आप मुझे चीट करोगे। जाना, एक मिनट मेरी बातों का जवाब दो, तुम्हारे अंदर से ना डर में निकाल के रहूंगा आज। बताओ कभी चीट किया? नहीं तो जान एक बात देखो ना, 2 साल में हमारी इतनी लड़ाई हुई, एक दूसरे को हमने ब्लॉक तक किया, एक दूसरे से बात तक करना बंद किया, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप ब्रेक नहीं हुआ, तो तुम्हें कैसे लगता है यार?
कि रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि उमंग मेरे बिना रह लेगा? नहीं, तुम मेरे बिना रह लोगे? आपको लगता है मैं आपके बिना रह पाऊंगी? तो फिर फालतू का क्यों डर लेके अंदर बैठे हुए हो अपना? पता नहीं, मेरे दिमाग से बातें जाती नहीं है, मुझे हमेशा कभी ना कभी ऐसा लगता है तुम मुझे छोड़ना दो, तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। एक बार रियल में सोचो कि तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उमंग, रियल में तो आप नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है, बट मेरे दिमाग से बातें जाती ही नहीं है, कितना भी कोशिश कर लूँ मैं। इसका एक ही सलूशन है फिर उसके बाद, इतना समझाने के बाद भी अगर तुम्हारा डर नहीं निकला, एक काम करो, एक रस्ती लाओ, मुझको बांध दो कुछ से, ठीक है? फिर तो डर नहीं, नहीं रहेगा। ऐसे किसी को कैदी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर पागल हो क्या? जब देखो तब डरते रहते हो यार। क्या करूं फिर? अरे मुझे भी तो इनसिक्योरिटी वगैरह डर वगैरह रहता है, मैं भी तो प्यार करता हूँ, लेकिन भरोसा है कि तुम कहीं छोड़ के नहीं जाओगे। आई नो उमंग, आपको भरोसा है, बट आपके संग वो नहीं हुआ जो मेरे संग हुआ है। आई नो आपके साथ रिलेशन में चीट हो चुका है एक बार, और एक बार जब इंसान के साथ चीट हो जाए तो दोबारा किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट तो होता फिर है। आप कैसे कह रहे हो कि भूल जाओ, मतलब सोचा करो, ये सब बात नहीं भूल सकती यार मैं इतनी जल्दी, बहुत कोशिश करती हूँ भूल जाओ भूल जाओ, नहीं आया दिमाग में, बट हो ही नहीं पाता है मुझसे, पता नहीं क्यों। इतनी जल्दी? मैडम रिलेशन को ना 2 साल हो गए हमारे, इन 2 सालों में तुम अभी तक नहीं भूल पाई हो। पता है। अच्छा अब सुनो ना यार, आई प्रॉमिस यू कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, प्रॉमिस। पक्का? लेकिन हाँ एक उसमें शर्त है, क्या? अगर जिस दिन मुझे पता चला तुम मेरे साथ बेवफाई कर रही हो, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ ये मेरी बात बातें। सुन लो, उस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। लेकिन उसके अलावा कितनी भी छोटी मोटी लड़ाई हो, कोई भी बात आ जाए, कुछ भी आ जाए, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। आपको लगता है मैं आपके साथ बेवफाई करूंगी, आपको चीट करूंगी? तो मैडम आपको लगता है मैं आपको छोड़ के मुझे जाऊंगा? पता है कि बेवफाई और चीट करने के बाद कितना बुरा लगता है, सामने वाले इंसान को कितना हर्ट होता है, ये तकलीफ मुझे हो चुकी है, और मैं किसी को ऐसी तकलीफ क्यों दूंगी, खास करके आपको, आपसे तो मैं इतना प्यार करती हूँ, आपको ये तकलीफ दूंगी? आपको ऐसा लगता है? तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा पागल से? अच्छा एक बात बताओ, मैं कि अगर तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा तुम तो ऐसे ही मुझे जाने ही दे दोगी कि हाँ उमंग तुम जाओ, किसी से थोड़ा बात कर लेता हूँ उस लड़की की तो तुम बैंड सी बजा देती हो। वो तो मेरा प्यार है। हाँ प्यार है, बेचारी रेनी भी कह रही यार तूने अपनी गर्लफ्रेंड को मेरा नंबर क्यों दिया? बेचारी को मतलब तुमने क्या भूल क्या दिया, इतना क्या सुना दिया उस बेचारी को? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। अरे अब छोड़ो तुम सारी बात, तुम तो कुछ नहीं बोलते हो फिर भी बहुत कुछ बोलते दो। पता है ना फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब प्यार से बात कर लो, ये डर निकाल दो अपने दिल से। मेरी माँ, तुम यार वीडियोस मत देखा हो, जब भी तुम वीडियोस देखती हो सैड हो जाती हो फिर तुम्हारे अंदर ये डर आ जाता है। आपको कैसे पता मैंने वीडियोस देखी? मैडम 2 महीने नहीं 2 साल हुए रिलेशनशिप को, हंसी मजाक है क्या? मुझे तो लगा हंसी मजाक है। हुई हंसी मजाक लग रही है मजाक रिलेशनशिप? नहीं नहीं कर नहीं रही हो? रिलेशनशिप हंसी मजाक है। नहीं, सीरियस वाला रिलेशनशिप है हमारा, कोई भी नहीं तोड़ सकता है। मैं तो यार एक चीज़ सोच रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ सिर्फ सोच रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली नहीं माने तो क्या होगा? अभी से ही बातें क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो बस ऐसे, चलो छोड़ो यार, मतलब अभी से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे मैं तो बस देख रहा हूँ कि तुम इतना प्यार करने लगी हो, तुम्हारी फैमिली नहीं मानी तो क्या होगा यार? मान जाएगी, नहीं मानी तो मान जाएगी। आप पहले से इतना बुरा बोलोगे अच्छा नहीं अच्छा मान मानेगी, जाए, नहीं फिर नहीं 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 मान जाएगी, मान जाएगी बाबू मान जाएगी। अच्छा बाबा मान जाएगी बोला ना मैंने, अब क्या है, अब मान क्यों गुस्सा जाएगी खाली बिली खा रहे हो? आपकी फैमिली? मेरी फैमिली तो मनी मना ही है, ठीक है ना? मेरी फैमिली की टेंशन मत लो तुम, कैसे? मेरी फैमिली को तो आज ही अगर मैं कहूँ ना कि हाँ मम्मी शादी करके ला रहा हूँ, वो बोलेंगे हाँ बेटा ले यार। मेरी अच्छा फैमिली टेंशन मत लो, अपनी फैमिली की लो, जिनको लड़का अच्छी जॉब वाला चाहिए और पढ़ा लिखा चाहिए और उस काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला चाहिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड लगा रखी वैसे है। ना, एक सब क्वालिटी आपके पास है, अच्छी जॉब नहीं है ना तुम्हारी अच्छी जॉब है तो सही। फैमिली को, ये वाली जॉब नहीं चाहिए ना तुमने बोला तो था, उनको चाहिए एक सिक्योर जॉब जिसका पैकेज बहुत अच्छा हो। पैकेज अच्छा हो? मेरी फैमिली को अच्छा खिलाओगे या सुनो, फिर मुझे खिलाओगे? वो अपनी फैमिली को बताओ जाके। अच्छा सुनो ना, दादा मन बोला करो।
सुनो ना, बोलो। फालतू पहले डरा मत करो कि मैं तुम्हें छोड़ के आने वाला नहीं हूँ। मैं एक बुरी वाली चिंगम हूँ जो बालों में चिपक जाती है ना, निकलती नहीं है जैसी तैसी, वैसी अच्छा वाली चिंगम हूँ मैं। अच्छा मतलब चिपक गई तो अपनी निकलूंगी, अच्छा मतलब निकलूंगा। निकलूंगी। हाँ तो मैं छोड़ के जाने वाला कहीं नहीं हूँ, ठीक है ना। अच्छा इले फालतू टेंशन मत लो, ठीक है। कभी नहीं जाओगे ना? लिख के दूँ, एक काम करो, एग्रीमेंट साइन करा लो तुम। तुमने नहीं माना फिर तो, अगर मैं छोड़ के गया ना, तो तुम पुलिस केस कर देना मेरे ऊपर, तुमने बस नहीं माना तो पुलिस पुलिस केस कर देना ना। का कहेगी कि कपल्स का मैटर है, तुम आपस में नहीं, सॉल्व एग्रीमेंट करो। साइन करवाओ, डील करो कि जब तुम मेरी सांस से मेरा साथ नहीं छोड़ती, तब तक छोड़ के वैसे नहीं एक बात जाऊंगा। बोलूँ, मुझे तुम्हारे पर पूरा, बहुत ज़्यादा पूरा 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 विश्वास है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, बट एक डर है, वो पता नहीं क्यों है, वो जाता ही नहीं है दिमाग से। चलो विश्वास है ना। आप सुनो, खाना वाना खाया कि बस डर में बैठे रहे? नहीं खाया, नहीं खाया नहीं, ना। आपने खाया? चलो दोनों साथ खा लेते हैं। कैसे? मतलब आप वहाँ से खाना लाओ, मैं यहाँ से खा लेता हूँ। आप कैसे खा लोगे? आप भी वहाँ से लेके आओ, मैं भी यहाँ से लेके आती हूँ। मैंने वही बोला ना, हाँ चलो जाओ। ठीक है, और फालतू डरा मत करो, बता रहा हूँ मैं, छोड़ फिर दोगे, छोड़ दोगे। मैं डरती हूँ तो कोई मुझे तो हक करता ही नहीं है। शायद आप भूल गए हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। हाँ ठीक है, रख दो फोन। चलो बाय, लव यू, बाय, लव यू टू, बाय। बाय।